नमस्कार किसान भाइयों, अक्टूबर हीट के अंदर क्या होता है, बहुत सारी फसल निपट जाती है। उसके पीछे का कारण अक्टूबर हीट होता है, जो अचानक से टेम्परेचर बढ़ जाता है और उस टेम्परेचर के कारण आपकी फसल में एक तनाव आ जाता है और उसी तनाव के कारण आपकी सब फसल खत्म हो जाती है। तो अगर आप चाहते हो कि भाई अक्टूबर हीट के अंदर यानी कि ज्यादा टेम्परेचर में भी आपका फसल आपको अच्छा उत्पादन दे सके, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को एक लाइक के साथ साथ एक अच्छा वाला कमेंट भी बनता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। अक्टूबर हीट से फसल को कैसे बचाएं, ये हमारा आज का विषय है। तो अक्टूबर हीट ही क्यों भाई, गर्मी में क्या टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता है? तो गर्मी में भी टेम्परेचर ज्यादा होता है, लेकिन क्या होता है, प्लांटेशन से अगर टेम्परेचर ज्यादा रहे तो पौधे को आदत रहती है कि भाई हमें ज्यादा टेम्परेचर में ही सर्वाइव करना है, जीना है, वो उसको पहले से पता होता है। लेकिन क्या होता है, अक्टूबर हीट क्या होती है, अचानक से आ जाती है। मतलब क्या होता है बॉस, सिंपल वाला चीज है कि आपका जून जुलाई अगस्त सितंबर में क्या होता है, बारिश का मौसम रहता है, थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, और अक्टूबर में अचानक से टेम्परेचर, अचानक से ये शब्द बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो सडनली अचानक से जो टेम्परेचर बढ़ जाता है उसके कारण आपकी फसल आ जाती है तनाव में, स्ट्रेस में। तो इस स्ट्रेस में आपकी फसल अगर फंस गई तो वो ना फूल देंगी, ना नया शेंडा देगी, ना नया फूल देगी, ना फूल से फल बनेगा, ना फल से जो साइज मिलता है हमें वो ना मिल पाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि अक्टूबर हीट से फसल को हमें बचाना है तो कुछ नियम आपको फॉलो करने होंगे, और अगर आपने वो नियम फॉलो कर लिए तो आपको इन सभी चीजों का जो नुकसान होने वाला है वो नहीं होने वाला है। तो क्या क्या कर सकते हैं ये पहले तो हम समझ लेते हैं। तो भाई सिंपल वाला चीज है, हम हमेशा आपको लॉजिक के साथ बताते हैं कि भाई स्ट्रेस को खत्म करने के लिए हमें किसकी जरूरत है, भाई हमें इसकी जरूरत है, किसकी, एंटी स्ट्रेस की। तो एंटी स्ट्रेस कौन कौन से लेने हैं जो हमारे टेम्परेचर के ऊपर काम कर सके, मुझे मतलब तापमान के ऊपर वो काम कर सके, ठीक है। तो तापमान के ऊपर हमें क्या काम करना है, तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है, यहाँ पे घटाना है, कौन से महीने में, अक्टूबर के हीट में, ठीक है। तो ये कैसे करना है, तो सिंपल वाली चीज है, दो तीन चीजें आपको बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करनी होगी। हमें पहले तो इस्तेमाल करना होगा कैल्शियम। अभी कैल्शियम इस्तेमाल करना है मतलब आप कैल्शियम नाइट्रेट इस्तेमाल करोगे, ये नहीं होता है। कैल्शियम नाइट्रेट के कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि सॉरी कैल्शियम के कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, चिलेटेड कैल्शियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, इस तरीके से कैल्शियम के कई सारे प्रकार आते हैं। तो इनमें से हमें कैल्शियम नाइट्रेट को इस्तेमाल नहीं करना है, ये बात ध्यान में रखना। और एक ऑर्गेनिक तौर के ऊपर जो कैल्शियम आता है वो है काउ मिल्क, इसका हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो एक तो कैल्शियम भी हमारा टेम्परेचर रिड्यूस करने में या फिर उस स्ट्रेस से, उस तनाव में से निकालने में हमारी मदद करने वाला है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ कौन सा एक आध और एंटी स्ट्रेस इस्तेमाल करने वाले हैं, वो कौन सा है, तो वो है आपका देखो, अब टेम्परेचर घटाने के लिए हम कुछ चीजों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फसल को मजबूती भी दिलाना है, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सिलिकॉन। जी हाँ, सिलिकॉन तापमान में कोई कमी नहीं करता है, वो जैसा है वैसा ही सिस्टम रह जाता है, लेकिन सिलिकॉन पौधे को एक तनाव में से निकालने की बहुत अच्छी क्षमता रखता है, ठीक है। तो सिलिकॉन का भी हम इसमें इस्तेमाल करने वाले। तो क्या लिक्विड फॉर्मुलेशन वाला सिलिकॉन पाउडर सिलिकॉन इस्तेमाल करना है क्या, नहीं, हमें सिलिकॉन लिक्विड फॉर्मुलेशन में इस्तेमाल नहीं करना है, हमें इस्तेमाल करना है पाउडर फॉर्म में, ठीक है। तो इन दोनों का इस्तेमाल करके हम एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे जो हमें अक्टूबर हीट से बचाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छे से समझ आया होगा यार, चैनल को सपोर्ट देना चाहते हो तो आपके कमेंट्स और लाइक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है शेयर का बटन, ठीक है। तो काम होने के बाद वो दबाना मत भूलना। तो सिंपल वाला चीज है, हम क्या करेंगे, एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिससे, जिसको रिपीट करते रहने से हम हमारी फसल के अंदर अक्टूबर हीट से बच पाए। तो कौन सा वाला कॉम्बिनेशन बनाएंगे, सिंपल वाली चीज है, जो आपके एरिया में मिलती है उसी के हिसाब से बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली वाली बात, हम लेंगे चिलेटेड कैल्शियम, ठीक है, चिलेटेड कैल्शियम लेंगे 200 लीटर पानी के लिए 200 ग्राम, ठीक है। इसी के साथ साथ हम इसमें काउ मिल्क भी लेने वाले हैं, मतलब गाय का दूध,
बकरी का दूध या फिर भैंस का दूध भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। ताजा चलेगा, थोड़ा सा एक दिन पुराना भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात उसमें भी नहीं है। सिर्फ ठेली वाला नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दूध का कितना इस्तेमाल करना है भाई, 200 लीटर पानी के लिए 500 ml। तो अगर इस कॉम्बिनेशन में अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो सिलिकॉन पाउडर का, ठीक है। सिलिकॉन पाउडर इसमें आप इस्तेमाल कर लोगे तो आपको और भी ज्यादा शानदार रिजल्ट मिल जाएंगे। 200 लीटर पानी के लिए हम 500 ग्राम सिलिकॉन पाउडर का इस्तेमाल छिड़काव के लिए करने वाले हैं। तो इस तरीके से ये एंटी स्ट्रेस वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये आपको आपके फसल को अक्टूबर हीट से बचाकर आपकी फसल में एक अच्छा चेतना भी दिलाएगा। साथ ही साथ सिर्फ इतने पे हो जाएगा क्या काम? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी फसल के अंदर आज की खास बात भी आप इसे कह सकते हो, तो आज की खास बात यही है कि अगर आपकी फसल के अंदर कोई विल्ट ना आता हो, ना कोई डायबैक आता हो, ना ही कोई डिसीज आता हो आपके जड़ से रिलेटेड, मतलब जड़ में कोई भी प्रकार का रोग ना आता हो, तो आप इस्तेमाल कर सकते हो गाय का दूध जमीन से भी, ठीक है। तो अगर आप जमीन से भी 1 लीटर 2 लीटर दूध देते रहते हो जमीन में फसल में, तो सिलिकॉन पाउडर के साथ भी देते हो तो आपको 2 गुना रिजल्ट मिल जाएंगे। और इस तरीके से अक्टूबर हीट से पहले अगर आप ये ट्रीटमेंट करोगे, मतलब अक्टूबर हीट चालू होने से पहले ये ट्रीटमेंट करोगे, तो आपकी फसल में तनाव नहीं आएगा। तनाव नहीं आया तो भाई आपकी फसल जरूर आपको अच्छा उत्पादन दे देगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।